हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। यह करंट अफेयर्स आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आज 20 नवंबर 2018 वार मंगलवार। करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, यूवी कंपटीशंस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर विवेक कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है। मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कुंडली मानेसर सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे के कुंडली मानेसर खंड का उद्घाटन किया। द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन KIIT काइट हैज रोल्ड आउट कूल इट्स ऑनलाइन ओपन लर्निंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड टू ट्रेन टीचर्स, स्टूडेंट एंड द जनरल पब्लिक। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन काइट ने इसके ऑनलाइन ओपन लर्निंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कूल की शुरुआत की है। इस मंच का उपयोग शिक्षकों, छात्रों और आम जनता को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया एक्सरसाइज इंद्रा 2018 ऑन कॉम्बैटिंग इंसर्जेंसी अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन UN वाज कंडक्टेड एट बबीना मिलिट्री स्टेशन इन झांसी उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र के तहत विद्रोह का मुकाबला करने पर भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2018 उत्तर प्रदेश के झांसी में बबीना सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। रूसी संघ की पांचवी सेना की कंपनी के आकार की टुकड़ी और भारत के मशीनीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर बटालियन ने प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। The winter session of Lok Sabha will commence on 11th December. संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू होगा। बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इज ऑन टू नेशन विजिट टू वियतनाम एंड ऑस्ट्रेलिया। ही रीच्ड डानांग इन वियतनाम ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ द हिज टू नेशन विजिट। मिस्टर कोविंद इज बीइंग अकॉम्पनीड बाई ए हाई लेवल डेलीगेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया की दो देशों की यात्रा पर है। वह अपनी दो देशों की यात्रा के पहले चरण में वियतनाम में दा नांग पहुंचे। श्री कोविंद के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन एंड मोरक्को किंग मोहम्मद सिक्स हैव इनॉग्रेटेड मोरक्को फर्स्ट हाई स्पीड रेल लाइन, द फर्स्ट एवर सच लाइन इन अफ्रीका। That $2 billion project was launched in September 2011 by the King and Nicolas Sarkozy, then President of France. Francisi राष्ट्रपति Emmanuel Macron और मोरक्को के राजा मोहम्मद सिक्स ने अफ्रीका में अपनी तरह की पहली मोरक्को की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन किया। सितंबर 2011 में राजा और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी $2 billion का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति। जलज श्रीवास्तव A984 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI। 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जलज श्रीवास्तव को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। The Appointments Committee of the Cabinet appointed Unique Identification Authority of India UIDAI CEO Ajay Bhushan Pandey as the new Revenue Secretary. He will succeed current
फाइनेंस एंड रिवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO अजय भूषण पांडे को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया। वे वर्तमान वित्त और राजस्व सचिव हसमुख अधिकिया का स्थान लेंगे। श्री अधिया 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ओरेकल्स एक्स प्रोडक्ट चीफ थॉमस कुरियन विल हेड गूगल्स क्लाउड डिवीजन। ही विल रिप्लेस ग्रीने। ओरेकल के पूर्व उत्पाद प्रमुख थॉमस कुरियन गूगल के क्लाउड डिवीजन का नेतृत्व करेंगे। वह डियान ग्रीने का स्थान लेंगे। बैंकिंग न्यूज और बिजनेस न्यूज। बैंकिंग और व्यापार समाचार। सुनील मेहता द चेयरमैन ऑफ बैंकर्स पैनल वर्किंग ऑन द फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैड अनाउंस्ड दैट एन असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी AMC फॉर रिजोल्विंग लार्ज बैड लोन्स हैज बीन फॉर्म्ड एंड विल बी कॉल्ड एज शक्ति इंडिया असेस मैनेजमेंट। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के तेजी से समाधान पर काम करे बैंकरों के पैनल के अध्यक्ष सुनील मेहता ने घोषणा की है कि बड़े दुबंत ऋणों को हल करने के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी AMC का गठन किया गया है और इसे सशक्त इंडिया एसेट मैनेजमेंट के रूप में नामित किया गया है। 11 कर्नाटका बैंक हैज लॉन्च ए स्पेशल कैंपेन फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। कासा द कैंपेन विल रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 3.5 months फ्रॉम November 15 टू February 28। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए न्यू SB स्कीम KBL SB TASC ए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर ट्रस्ट एसोसिएट्स सोसेस्ट एंड क्लब्स। कर्नाटक बैंक ने चालू खाता और बचत खाते कासा खोलने के लिए एक विशेष अभियान लॉन्च किया है। अभियान 15 नवंबर से 28 फरवरी तक 3.5 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा। इसे एक नई SB योजना KBL SB टास्क के रूप में पेश किया गया है जो ट्रस्ट एसोसिएट सोसाइटी और क्लब के लिए विशेष उत्पाद है। ऑनलाइन फैशन रिटेलर मंत्रा विल इंटीग्रेट दस इट्स सिस्टर फर्म जबोंग विद इट सेल्फ एंड द इंटीग्रेटेड फर्म विल कंटिन्यू टू बी लेड बाय मंत्रा CEO अनंत नारायण द टू विल However, continue to operate as separate brands. Online fashion खुदरा विक्रेता मिंत्रा अपनी सह फर्म जैबोंग को अपने साथ एकीकृत करेगा और एकीकृत फर्म का नेतृत्व मिंत्रा के CEO अनंत नारायण करेंगे। हालांकि दोनों अलग अलग ब्रांडों के रूप में काम करना जारी रखेंगे। Important days महत्वपूर्ण दिवस The World Toilet Day is organized around the world on 19th of November. The day is about Inspiring action to tackle the global sanitation crisis. The theme for WTD 2018 is When Nature Calls. 19 नवंबर को दुनिया भर में विश्व शौचालय दिवस आयोजित किया जाता है। यह दिन वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए प्रेरक कार्रवाई के बारे में है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2018 के लिए विषय है When Nature Calls. कौमी एकता वीक ऑब्जर्व अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम November 19 to 25 टू फॉस्टर एंड रेनफोर्स द स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मोनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर तक देश भर में सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देने और मजबूती प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। अवार्ड्स पुरस्कार वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट सैरड मास्टर उस्ताद अमजद अली खान वाज प्रेजेंटेड द सौमित्रा चर्त राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द कामिनी ऑटोडेरियम न्यू दिल्ली फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनरिचमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। भारत के सबसे महान सरोद वादकों में से एक उस्ताद अमजद अली खान को भारतीय शास्त्रीय संगीत के संवर्धन और प्रचार में अत्यधिक योगदान के लिए कमानी ऑटोडोरियम नई दिल्ली में सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट प्रस्तुत किया गया। स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार अलेक्जेंडर जेवरव हैज वोन ATP वर्ल्ड टूर फिनाले इन लंदन। अलेक्जेंडर जेवरव डिफीटेड वर्ल्ड नंबर वन नोवाक जोकोविच इन स्ट्रेट सेट्स टू क्लेम द सीजन एंडिंग ATP फिनाले एंड अर्न द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ हिज कैरियर। जेवरव आल्सो बिकम
the first player to beat both Djokovic and Federer in the same ATP finale. Alexander Zverev ने लंदन में ATP World Tour Final जीत लिया है. Alexander Zverev ने सत्र के अंत में ATP Final और अपने करियर की सबसे बड़ी जीत अर्जित करने के लिए विश्व नंबर एक नोवाक जोकोविच को सीधे सेट में हराया. जेवरव समान ATP Final में जोकोविच और फेडरर दोनों को हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. ऑप्टूरीज निधन. डॉक्टर टी एस कनका द कंटिनेंट फर्स्ट वुमेन न्यूरोसर्जन पास्ड अवे आफ्टर ए ब्रीफ इलनेस एट द एज ऑफ 86. सी वॉज द थर्ड वुमेन न्यूरोसर्जन इन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड. महाद्वीप की पहली महिला न्यूरोसर्जन डॉक्टर टी एस कनका का 86 वर्ष की आयु में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया. वह पूरी दुनिया की तीसरी महिला न्यूरोसर्जन थी. तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, करंट अफेयर्स, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो यूवी कंपटीशन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.